हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, इन्फिनिक्स जो है हाल ही में अपने दो फ़ोन को जो है इंडिया में जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। मतलब 20 दिसंबर को आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला जो मॉडल है इन्फिनिक्स 020, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड जो सेकंड मॉडल है वो है इन्फिनिक्स 0 Ultra 5G, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बारे में जो है मैंने वीडियो बना दी है, उसके अंदर आपको जो है हाईलाइटिंग पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, कर्व डिस्प्ले, 180 वाट की फास्ट चार्जिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है ऊपर लिंक देखने के लिए मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जब हम बात करेंगे इन्फिनिक्स 020 के बारे में, इसकी 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है इसके ओवरव्यू की बात करता है, तो पीछे से जो है फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्लास बैक पैनल जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो इसका फ्रेम है वो आपको मेटल का देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो इसके ओवरव्यू है, बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी फ़ोन की। सो इस डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जो कि एमोलेड रहेगी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके अंदर आपको जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो फिंगरप्रिंट है आपको साइड माउंटेड वाला देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, जब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो इसके अंदर जो है आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो रहने वाला है 108 मेगापिक्सल का, लेकिन वॉइस इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड जो सेकंड है वो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, एंड जो थर्ड है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। एंड फ्रंट की बात की जाए तो वो हाईलाइटिंग पॉइंट है इस फोन का। इसके अंदर आपको जो है फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेंसर देखने के लिए मिलेगा OIS के साथ। मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवाता फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेंसर OIS के साथ, तो ये इस फोन का हाईलाइटिंग पॉइंट है। एंड अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर जो है आपको 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 45W के फास्ट चार्जर के साथ। एंड फास्ट चार्जर जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, यानी कि इसके अंदर आपको कौन सा हार्डवेयर देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर जो है आपको मीडिया टेक का हीलियो G99 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 4G प्रोसेसर है। तो इसके अंदर आपको 5G देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड इसके अंदर जो रैम यूज़ हुई है वो है DDR4 वाली, एंड स्टोरेज टाइप जो है वो है UFS 2.2 वाली। तो प्रोसेसर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, तो फोन जो है आपको 5G देखने के लिए नहीं मिल रही है। एंड्रॉयड वर्जन एंड OS की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है इन्फिनिक्स का XOS 12 देखने के लिए मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इसके अंदर जो है आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है, 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड भी आप एक साथ लगा सकेंगे इस फोन के अंदर। सो इस कुछ इस तरीके की जो है फोन की स्पेसिफिकेशन है। एंड लॉन्च डेट का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है 20 दिसंबर के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। एंड प्राइसिंग की बात की है तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है 8128GB के वेरिएंट में ही आएगा, मतलब केवल एक वेरिएंट में आएगा। और जो इसकी प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 18 से 20 हज़ार रुपये। तो 18 से 20 हज़ार रुपये में आपको 5G फ़ोन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं। और ये जो फ़ोन है मेन टारगेट केवल सेल्फी वाले बंदों को कर रहा है, या रील्स वाले बंदों को कर रहा है, या जिनको भी फ्रंट कैमरे का ज़्यादा काम रहता है। तो फ्रंट में जो है इन्होंने नो डाउट अच्छा हार्डवेयर डाला है। अगर आपको फ्रंट कैमरे का ज़्यादा काम रहता है तो आप ज़रूर इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये फ़ोन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।